हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लैंड ए वर्सेस इंडिया ए के बीच में जो फोर्थ मैच होने वाला है, इस मैच के बारे में। इस मैच से रिलेटेड मैं आपको सारी ड्रीम इलेवन टीम न्यूज़ एंड इम्पोर्टेंट प्लेयर के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो फ्रेंड, ये एक ट्रायंगुलर सीरीज़ है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोनों सभी टीमों ने जो है दो दो मैच खेल चुके हैं। वहीं पे जो है इंग्लैंड जो है दोनों में से दोनों मैच जीता है, इंडिया जो है दोनों में से एक मैच जीता है जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जीता था। वहीं पे इंग्लैंड जो है दोनों में से दोनों मैच वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के साथ जो है जीत चुका है। तो अगर हम लोग बात करें जो सीरीज़ का पहला मैच हुआ था इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के बीच में, वो मैच जो है इंग्लैंड ने जीता था लगभग 7 विकेट से। और उस मैच पे जो है निक गिब्सन ने जो है बहुत ही अच्छा स्कोर किया था और सैम 100 किया था और सैम हेन ने भी जो है 50+ का स्कोर किया था। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑलराउंडर की। तो ऑलराउंडर पे आपको जो है ऋषभ पंत आपके लिए बेस्ट एंड सेफ ऑप्शन रहेंगे। वहीं पे आप चाहें तो यहाँ पे बेन स्टोक्स को जो है ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग में। वहीं पे बात कर लेते हैं बैट्समैन की। तो बैट्समैन पे यहाँ पे लियम आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे और आपके लिए बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, हालांकि इनका परफॉर्मेंस जो है उतना अच्छा नहीं रहा है। सैम हेन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। वहीं पे मयंक अग्रवाल को भी आप ले सकते हैं। अभी तक जो सबसे ख़राब परफॉर्मेंस रहा है मेरे हिसाब से जो है वो है श्रेयस अय्यर का। आप चाहें तो श्रेयस अय्यर टॉम को जो है एज ए ग्रैंड लीग में ले सकते हैं। वहीं पे आप चाहें तो यहाँ पे गिब्सन को ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे और सेफ ऑप्शन होंगे और बहुत ही अच्छी बैटिंग भी करते हैं। तो फ्रेंड, इसके अलावा आप चाहें तो पृथ्वी शॉ एंड शुभमन गिल को ले सकते हैं, क्योंकि मैंने दोनों को ही लिया। आप चाहें तो सॉरी आप चाहें तो यहाँ पे विजय शंकर को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इनके खेलने के जो है थोड़ी बहुत डाउट है, क्योंकि इनका वो हमेशा अभी तक जो है बहुत ही अच्छा नहीं रहा है। इसके जगह जो है यहाँ पे दीपक चहर को मौका मिल सकता है। तो फ्रेंड, बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की। तो ऑलराउंडर पे यहाँ पे स्टीवन मुरली एंड लियम एंडरसन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे। वहीं पे कुणाल पांड्या एंड अक्षत पटेल की दोनों के ही खेलने पे जो है डाउट है। तो बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो मैंने यहाँ पे 4 बॉलर लिया है, क्रिस जॉर्डन, शार्दुल ठाकुर, रॉय स्टॉकली, और यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो मैंने यहाँ पे दीपक चहर को लिया है, जिनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छी रही है। तो फ्रेंड, आप चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैप्टन जो है शुभमन गिल और वाइस कैप्टन जो है लियम डॉम्सन को लिया। आप चाहें तो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। ऋषभ पंत आपके लिए और सेफ ऑप्शन होंगे और आप चाहें तो यहाँ पे सेम हैंड को भी बना सकते हो। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतने ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।